तो गाइस क्या अभी भी आप बीआर रैंक में हीरोइक पर हो? क्या आपको भी मास्टर पहुंचना है? हाँ भाई हाँ। अरे तो आज की इस वीडियो में आपको टॉप 10 नेक्स्ट रैंक आपके बीआर रैंक में हिडन प्लेस बताने वाला हूँ। इसको यूज कर लोगे ना तो आपकी रैंक माइनस होने की जो दिक्कत खत्म, मतलब लग ही नहीं सकती। इधर देखो भाई क्या ही कॉन्टेंट चला रहा हूँ, कॉन्टेंट फेवरेट है। चलो वीडियो स्टार्ट करें। एक छोटे से इंट्रो के बाद एडिटर इंट्रो लगा। अरे एडिटर तो मैं ही हूँ। अपनी फर्स्ट रिक वर्क करने वाली है फार्मटोपिया पे। अपना फर्स्ट लिखा तो ऐसा आया था जैसे पिक्चर शुरू होने वाली है। चलो कोई नहीं, ऐसे ही लेते थोड़ा सा। अपने को 3 ग्लूल की जरूरत पड़ेगी। 3 ग्लूल कुछ ऐसे लगा देना है, एकदम सीढ़ी जैसे लगा रहा हूँ, मतलब कि एक के ऊपर एक, मतलब तीसरा भी ऐसे लगा देना है। और अभी ऊपर जाने के बाद तो भाई कोई बंदा देखेगा नहीं। और ये वाली जगह इतनी प्यारी है ना, मैं खुद बताऊंगा कि इतने सारे बंदे आते हैं और मेरे को बताने की जरूरत नहीं। जो बंदे ग्रैंड मास्टर पे ना वो गारंटी बताएंगे कितने बंदे होते हैं। सबसे ज्यादा बंदे इधर रिवाइव करने आते हैं। इधर देखो सामने ही वेंडिंग मशीन, सामने एक बंदा आया और इसको कमाल का वन टैप भी पड़ गया। इसको फिनिश करते हैं। और इधर मेरे बंदा बुला रहा है कि बता यहाँ पे एक और बंदा है, चलो मैं इसको भी मार देता हूँ। भाई मेरे टीममेट कितने अच्छे ना किल दे रहे मेरे को, वरना मेरी माइनस हो जाएगी। चलो एक बंदे को मैंने और वापस हेडशॉट मार के खत्म कर दिया है। और अभी मेरे राइट में एक और बंदा आ गया, मुझे आवाज तो आई थी। और ये राइट में साइड में एक और बंदा दिखा है, इसको भी नॉक कर दिया। भाई ट्रिक तो बहुत ही खतरनाक है, मतलब जहर है। चलो नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं। अपने सेकंड ट्रिक वर्क करने वाली प्लाज एरिया पे। भाई यहाँ पे 2 ग्लू होल लगाना है और भाई इतनी खतरनाक ट्रिक है ना, मतलब आप आराम से सर्वाइव कर सकते हो। बंदा कोई देखने भी नहीं आने वाला। और इधर किले बतू भरपूर मिलेंगे। अगर नहीं मानना हो ना तो भाई अभी ऊपर चल जाओ, उसके बाद आप देख लेना। अगर नहीं मान रहे हो ना अभी भी चलो, मैं पहले चल के बता देता हूँ, मतलब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। देखो अगर सर्वाइव करना हो ना तो ये 2 पाइप दिख रहे हैं, इसके बीच में अगर जंप करके इधर आके लेट जाओगे ना तो कोई भाई बंदा देख भी नहीं सकता है। मतलब इतना ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि यहाँ चालू छोड़ के लूडो खेलने चल गए, ऐसा मत करना। ऊपर बतू बंदे देखते रहना। और इधर हमारा झूला चालू हो गया क्योंकि साइड में वेंडिंग मशीन है, आराम से बतू बहुत सारे बंदे आते हैं, सब रिवाइव होके इधर ही आएंगे। अभी थर्ड ट्रिक वर्क करने वाली रश टाउन पे। भाई ये पर्सनली मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट ट्रिक है भाई, बाकी मैं इसे जंप करके नहीं जाता हूँ। मैं आपको सच सच बताता हूँ क्योंकि आप मेरे भाई लोग हैं। आपने सब्सक्राइब तो करके रखा होगा, भाई नहीं करके रखा भाई जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ध्यान से ऑन कर देना। बस आपको इसके ऊपर आ जाना है। लेकिन मैं बताऊँ कब आता हूँ, जैसे मैं रिवाइव हुआ मेरे हाथ में यूएमपी या विजन जब आती थी ना भाई, मैं जब इधर आता था ये बंदे को नॉक करा, इसके टीममेट को आने दो भाई, उसके बाद में मारूंगा। भाई इसका टीममेट की आवाज़ तो आ रही है मुझे नीचे से, और भाई आ गए थे को सामने। और ये भाई मेरे को लग रहा था रिवाइव करने जाएगा लेकिन रिवाइव करने नहीं, अधिक जब मार रहा हूँ जब रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है भाई, हालांकि नू पंथी दिखा रहा है। चलो दूसरे का इंतजार करते हैं भाई, दूसरे का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं भाई, वो बोल रहा होगा ये लो मैं आ गया। ये लॉन्चर तो मैंने मुंह पे मार लिया भाई, मैं भी क्या खतरनाक लॉन्चर फेंकता हूँ। ये बंदा तो चले गए, लेकिन हमने 2 किल हो चुके हैं। अपने एक और पीछे एक बंदा है भाई, उसने लॉन्चर फेंक दिया भाई, मैंने हेडशॉट मारा उसके बाद उसने मार दिया, वो तो अच्छा हुआ नहीं मेरे पास मरा नहीं भाई, वेस्ट अच्छा था। सामने एक और बंदा आया गाड़ी में और इसको कमाल का रेड नंबर मार दिया भाई। अगर अभी भी वीडियो को लाइक नहीं करना ना भाई, बद्दुआ लगेगी यार तुमको, ध्यान से लाइक कर देना। और सामने बंदे को फिनिश कर दिया भाई, 4 किल कर लिए ऊपर बैठे बैठे, कोई बंदा मारने का सोच भी नहीं सकता। सामने भी एक एनिमी, इसको भी कमाल का रेड नंबर मार दिया। इतने किल करने के बाद आपके भी मन में लड्डू फूटा। अपनी फोर्थ ट्रिक वापस वर्क करने वाली रश टाउन के पास में। बस आपको एक लैम्बोर्गिनी लेके आ जाना है, वो सामने टनल दिख रहा है, इसके अंदर एकदम से लैम्बोर्गिनी ठोक देना। मैं धीरे धीरे को ले आ रहा हूँ, चलो कोई नहीं, धीरे धीरे ले आना आपकी इच्छा। बस आपको इंटर करके एग्जिट करना है और आप इस टनल के अंदर आ जाओगे। यहाँ कोई देखने वाला है नहीं, कोई आपको कुछ भी कर लो भाई, लैंडमाइन कुछ भी लगा लो भाई, आपको डैमेज नहीं पड़ेगा। बस आपको एक चीज करना है, अगर किसी को मारना है तो थोड़ा सा आगे आ जाना, थोड़ा बाहर निकल के आप बंदे को आसानी से मार सकते हो। मेरा बंदा इतने जल्दी इतने निकल जाता है ना भाई, इसको थोड़ा रैंक पुश करने का बोलते तो क्या दिक्कत ही थी। चलो थोड़ी बॉक्सिंग करके चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलो नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं। अपनी फिफ्थ ट्रिक वर्क करने वाली है अपने, क्या नाम है, ट्विंस ब्रिज है ना शायद, ये ट्विंस ब्रिज के पास में ही वर्क करने वाली, मतलब रश टाउन से थोड़ा आगे आ जाओगे, ब्रिज के पास में वर्क करने वाली है। बंदे को क्या ही रेड नंबर मारा है, मतलब स्कोप खोल के मारा है, लेकिन उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये सामने दिख रहा है ना। बस आपको इधर तक आ जाना है और इधर आने के बाद वही इतनी कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ। यहाँ पे बंदा तो कोई एनिमी कोई देख भी नहीं सकता भाई, सोच भी नहीं सकता यहाँ पे कोई है, तो आप आराम से रैंक पुश करके छोड़ दो मोबाइल, जाओ वीडियो देखो आराम से। यहाँ पे बस रैंक पुश करने के लिए छोड़ दो अपनी आईडी, बाकी वो तो एफ के पड़ता है, तो एक जगह पर बैठना नहीं चाहिए, थोड़ा हिलते रहना चाहिए। बस आपको इधर लेट जाना है, यहाँ पे कोई देखेगा नहीं। लेकिन आपको एक कमेंट सेक्शन में वार्निंग देखने को मिलेगी कि एनिमी वाज वाचिंग दिस, हाँ भाई वो सही लिखते हैं कि भाई ये बंदे एनिमी भी देख रहे हैं वीडियो, तो भाई थोड़ा बहुत देख लेना कि यार थोड़ा हाँ सपोर्ट चलेगा। लेकिन हाँ थोड़ी सी रैंक पुश करने के लिए भाई मेरा भी थोड़ा सा फायदा करा सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर देना यार, भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ।
अपनी सिक्स ट्रिगर करने वाली है फार्मेटोपिया के पीछे और अपने ग्रेविटी लैब के आगे आपको एक लॉन्च पैड देखने को मिलेगा। बस ये लॉन्च पैड इस पेड़ के ऊपर लगा देना। तो भाई इसके बाद अभी आपको कुछ करना है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल आप हाइड हो सकते हो, मतलब बंदा कोई देख भी नहीं सकता, एनिमी मतलब कौन ही पेड़ पे देखता है। लेकिन पेड़ पे देखना तो छोड़ा, अभी तो आपको कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। आपको मैं इसी ट्रिक बताने वाला हूँ, बस आपको इसके अंदर लेट जाना है। भाई ये पेड़ पूरा खोखला है भाई, इसके अंदर चले गए आप तो कौन देखने वाला है। भाई थोड़े पेड़ के हिसाब से कलर के कपड़े पहन के आ जाओगे ना, तो भाई अब हर बारी आप इधर ही रैंक कुछ करना। देखो सामने एक बंदा अभी जा रहा था, एनिमी जा रहा था, इसको मैंने डैमेज दिया, बंदा उबड़ा वापस आ गया। ये देखो भाई सोनिया का कमाल, ये इसको मतलब टाइम मिल गया अपना डिमित्री ऑन करने के लिए, इसने डिमित्री चुपचाप से ऑन कर लिया। लेकिन मैं इसको रिवाइव तो ना होने दूंगा, इसको कमाल का हेडशॉट मारा है। अपनी सेवंथ ट्रिक वर्क करने वाली है, ग्रेव लेव के सामने ये ब्रिज है, बस आपको इधर आके एक बाइक की जरूरत पड़ेगी। भाई ये ब्रिज के ऊपर नहीं आ जाए, अरे ये तो क्या हुआ भाई, कोई से नीचे ये ऊपर ही आ गया। चलो वापस से नीचे चलते, इसकी एक बाइक की जरूरत पड़ेगी। ये बाइक मैंने पहले ऑलरेडी सेट करके रखी, मतलब पहले लगा के रखी, लेकिन आपको मैं वापस से लगा के दिखाता हूँ। बस आपको गाड़ी थोड़ी सी उल्टी ले जाके एकदम जब तक ठोकना है आखिरी तक ठोकना है, फिर आपको एंटर करके एग्जिट कर देना है। और उसके बाद अपनी जॉयस्टिक ना पीछे की साइड खींचोगे ना भाई, आप जमीन के अंदर आ सकते हो। और यहाँ पे आने के बाद भाई गारंटी देता हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं देखने वाला, आपको गाड़ी फोड़ना है फोड़ देना, आप वैसे नॉर्मल निकल सकते हो। चलो अब नेक्स्ट वीक की ओर चलते हैं, लेकिन अभी वीडियो को लाइक कर देना, नहीं कराओ तो। अपनी एट ट्रिक वर्क करने वाली प्लाजेरिया पे, भाई जिसको किल के शौकीन है ना भाई, ये ट्रिक तो उसके लिए है भाई। क्यों बताऊं, नीचे वेंडिंग मशीन इसी घर के अंदर अटैच होके मतलब इसके पास ही चिपक के लगी, बस आपको इसके ऊपर आ जाना है और इधर आके आसानी से सर्वाइव कर सकते हो, साथ में किल भी कर सकते हो, आपकी केडी भी बढ़ी रहेगी। लेकिन भाई बुरा तो जब लगता है भाई, 79% बंदे मेरी वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। भाई अगर इसमें से 50% बंदे सब्सक्राइब करेंगे ना, वही मेरा 1 लाख टारगेट कम्प्लीट हो जाएगा, अभी 36K सब्सक्राइबर। चलो नेक्स्ट वीक की ओर चलते हैं। अपनी 9th ट्रिक वर्क करने वाली है फार्माटोपिया के पीछे और ग्रेव लैब के सामने एक लॉन्च पैड देखने को मिलेगा। इस लॉन्च पैड पे आ जाना है भाई, ये वही वाली क्लिप है जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। देखो आपको लॉन्च पैड पूरा ऊपर खींच देना है, सामने रोबो पेट के ऊपर सेट कर देना है, पूरा ऊपर खींचना, थोड़ा नीचे ऊपर मत करना, डायरेक्ट पूरा ऊपर करके लॉन्च कर देना है। और भाई आपको मैं अपनी रैंक बताऊँ, अभी रैंक देखो मेरी मास्टर पे है भाई, कितने खतरनाक लेजेंड प्रो प्लेयर आए होंगे आपको पता होगा, लेकिन उनको मैं आपको अपनी कार 98 का जलवा दिखा दूंगा। कितने भी प्रो अपने को उससे मतलब नहीं है, ये देखो बंदे ऊपर हवर में से निकल उतर रहे हैं ना, उनको उतरने भी नहीं देना अपनी कार 98 है। तो भाई इसको तो नॉक कर दिया, वो सामने वापस से नॉक कर दिया दूसरे बंदे को, और ये मैं पता नहीं कहाँ कार 98 चला रहा हूँ। और ये एक और ख़त्म, और ये दूसरा भी किल आ गया, अपने टोटल 4 किल हो चुके हैं। आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं क्योंकि स्टार्टिंग में बताते थे, लेकिन आपको इसको उतरने तो देंगे नहीं। और ये वापस से, अरे कितना फेक डैमेज आ रहा है भाई, इसमें फेक डैमेज तो आया गारंटी दे रहा हूँ। ये भी नॉक हो गया और ये क्लियर कर देते, इसको पहले अपन किल बहुत सारे ले लेंगे। अपने 5 किल हो गए और ये एक और बंदा आया, लेकिन आपको ये क्लिप तो मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी। नेक्स्ट वीक की ओर चलते हैं। अपनी 10th ट्रिक वर्क करने वाली रश टाउन के पास में, बस आपको एक मिनी लॉन्च पैड की जरूरत पड़ेगी। मिनी लॉन्च पैड को जैसे लगाते हैं भाई लेजेंड लोग, पता है कि मैंने कल शॉर्ट्स वीडियो में यही वाली शॉर्ट्स वीडियो डाली थी, भाई नहीं पता ना आप देख के आ सकते हैं। और भाई ये वाली ट्रिक ना इतनी कमाल की ट्रिक है, यहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता, यहाँ पे कोई सर्वाइव कर सकता है, आप गारंटी देता हूँ कोई देखने नहीं आएगा। लेकिन हाँ ये वीडियो देखने के बाद आ सकते हैं, देखो यहाँ पे किसी ने नहीं सोचा ना यहाँ पे भी चढ़ सकते, लेकिन मैंने चढ़ के बता दिया। वो मिनी लॉन्च पैड थोड़ी देर बाद हट जाएगा तो कोई आ नहीं पाएगा, उस पर थोड़ी देर नजर रख के रखना। लेकिन मान लो इधर आपके बहुत अरे फैन मिलने आ गए, मतलब एनिमी आ गए, बहुत सही फाइट करने है, तो आपको हाइट का एडवांटेज लेके मारना है ना, तो आप इसके ऊपर सीडी जैसे लगा हुआ है इसके ऊपर आ सकते हो, डायरेक्ट ऊपर से मार सकते हो। लास्ट में मेरा हीलिंग बैटल हुआ था ये वाले गेम में, आप देख लेना। लेकिन आपको इसी और ट्रिक देखनी हो तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, लेकिन आपको शॉर्ट्स वीडियो देखना हो फटाफट ट्रिक देखनी हो ना तो राइट वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हो। भाई जिसने ध्यान से वीडियो देखी होगी ना भाई उसको समझ आ गया, मेरी वीडियो की थोड़ी वॉइस आगे पीछे थी, चलो कोई नहीं, थोड़ी एडिट में दिक्कत हो गई थी। बाय।